ये देखो भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन। ऊपर देखो मेरो वृंदावन, प्रेम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। वो देखो वो रहा सामने। लग गई तो भाई, अब बात करी जाए वृंदावन की, तो वृंदावन है यहाँ से लगभग बरसाना से, जहाँ पे राधा रानी जी का मंदिर था वहाँ से तो एग्जैक्ट 40 किलोमीटर था, लेकिन हम वहाँ से अब काफ़ी थोड़ा चल के आ चुके हैं आगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर रह गया होगा, ठीक है ना। बाकी 30 किलोमीटर वृंदावन रह गया होगा, उससे पहले हम एक ब्रेक लेने वाले हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो अभी तो कुछ अंदर वाली रोड से हम जा रहे हैं, गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं हम। गूगल मैप देखो भाई, चेक करो, मतलब कितनी प्यारी रोड वो लग रही है भाई, खेत देख रहे हो आसपास के, एक नंबर। और इतनी बढ़िया, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, क्योंकि देखो चारों तरफ हरियाली है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो भी चीज़ बढ़िया लग रही है मेरे को एकदम। और अब हमारा जो विनय भाई चोको भाई, उसका मूड हो चुका है एकदम बढ़िया, क्योंकि उसको अपने तरीके की रोड्स मिल गई चलाने के लिए। मतलब उसने चढ़ाई पर एकदम चढ़ाई हुई थी एकदम, जब आपने देखा होगा वहाँ पर चढ़ाई थी राधा रानी जी के मंदिर के, वहाँ एकदम खुली रोड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सबका मूड किसी का ख़राब हो तो वो भी बढ़िया हो जाता है भाई। मतलब फुल मज़ा आ रहा है भाई फ़िलहाल तक में ना। और आज मेरे को अपने GoPro की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास साथ दो बैटरीज हैं, एक बैटरी तो वही जो मेरे पास अपनी थी, और एक बैटरी हमारे एक पीयूष भाई है, पल्सर है उनके पास। तो अगर पीयूष भाई हमारी मतलब मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको दोबारा से बोलना चाहता हूँ, थैंक यू यार आपने बैटरी दी, अब मैं आराम से थोड़ा बिना टेंशन के व्लॉग बना पाऊँगा। क्योंकि एक बैटरी में ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना, बार बार व्लॉग बनाओ और फिर बार बार मतलब बैटरी को चार्ज करो, इसमें वो झंझट अब नहीं रहेगा। अब ये है कि वो एक ब्लॉग बनाया, एक बैटरी पे चार्ज लगा के दूसरी बैटरी यूज़ कर ली, ऐसे मतलब करके ना हो जाएगा सारा काम बढ़िया। तो अभी हम चल रहे हैं देखो 70 की स्पीड में चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड ही है हमारी। और बाइक की मीटर रीडिंग अगर मैं बात करूँ तो भाई हो चुके 1103 किलोमीटर, ठीक है ना। मैंने अपने घर से निकलते वक्त देखी नहीं थी कितनी किलोमीटर रीडिंग थी, लेकिन मैंने बदरपुर टोल पे देखी थी, बदरपुर टोल पे हमारी बाइक की किलोमीटर रीडिंग थी 990 से 1103 हो गई। तो मतलब ये मान लो आप 114 के किलोमीटर के आसपास तो बदरपुर टोल से अभी तक हम चल चुके हैं इन टोटल, ठीक है। और बदरपुर टोल से मेरा घर 30-40 किलोमीटर और, तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होने वाले होंगे हमको टोटल घर से निकले हुए। अब बाकी देखते हैं वृंदावन पहुँच के, वहाँ से घूम के घर जब जाते हैं तब टोटल कितनी चलती है। 300 किलोमीटर से तो प्लस ही होने वाली राइड, इतना मेरे को पहले ही पता है, ठीक है ना भाई। बाकी भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो व्लॉग तो भाई प्लीज़ लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना भाई। आप पता है मैं बहुत टाइम से सिर्फ आप लोगों के लिए जानने की सोच रहा था वृंदावन कि चलो भाई थोड़ी लॉन्ग राइड करेंगे, सबको अपना रिव्यू देंगे कि भाई बाइक लॉन्ग राइड में कैसी है, सबको लॉन्ग राइड दिखाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम से बंदे बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे गुड़गांव NCR मतलब दिल्ली NCR में राइड करते रहते हो, कोई बाहर क्यों नहीं जाते। तो बहुत टाइम से सोच रहा था थोड़ी लॉन्ग राइड करने की, और वो आज हो चुकी है भाई। तो बताना कैसी लगी आपको, अगर आप अच्छे खासा हमको सपोर्ट करोगे तो भाई हो सकता है बहुत ही जल्द, मतलब कुछ आने वाले टाइम में हम और भी लॉन्ग राइड शुरू कर दें। अभी तो हमारी आज की वन डे राइड है, हम सुबह निकले थे, हम शाम तक घर रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करोगे अच्छे से तो हो सकता है कि हमारी वन डे के बजाय 2-3 डे करके मतलब स्टार्ट हो जाए, ऑल लॉन्ग राइड स्टार्ट हो जाए। सब कुछ आपके सपोर्ट के ऊपर है भाई। देखते हैं भाई अब खाने पीने के लिए कहाँ रुकना है, मैं सोच रहा हूँ सीधा आपसे लोगों से वहीं पे मिलूं, क्योंकि गांव वाली रोड है, अब यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ की ठंडी हवा को। आपसे मैं सीधा वहाँ मिलूँगा जहाँ पे हम रुकेंगे, या फिर अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं हम आपसे। अब सीधा अभी खा रहे हैं हम वेज बिरयानी, इसके अलावा कुछ मिली नहीं हमको, और बैठे इस वक्त ऑटो के अंदर हम। देखो ये खड़ी हमारी छोटा बाहर छोटा डॉन चोको की एंट्री, सब आ गए भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी की अगर मैं बात करूं तो भाई हम वहाँ से जहाँ पे खाने के लिए रुके थे वहाँ, चलो लगाने का इशारा मिल गया तो आज क्या चीज ही जाए फिर। विनय भाई मेरे को पकड़ने के लिए इतना उठावला है ना, मतलब
ट्रेल में जो कैच नहीं कर पा रहा, मेरी स्पीड चेक करो, 114 पे चल रहा हूँ मैं इस वक्त पे, और अभी सीधा मतलब प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे 114 से ऊपर जा नहीं पा रही मेरी बाइक, ठीक है। अगर मैं डाउन हिल होता ना हल्का सा तो लास्ट 118 पहुँचती, और 118 पे इसका लिमिटर आ जाता है, पांचवा गियर का मैंने टेस्ट करा था, 118 पे इसका लिमिटर आ ही जाता है, उससे ऊपर जाती नहीं है बाइक। और बाइक की किलोमीटर देखो 11 22 1122, ये देखो भाई। अब तो मैंने रेस छोड़ दी, अब तो तू जितना मर्जी मेरे को फ्लाई बाय दे दे, पर मैं यहाँ जीत गया हूँ, तू हार गया भाई। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं, बाकी बंदों को आगे आने देते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ से वैसे वृंदावन की बात करी जाए तो होगा अभी भी 20-25 किलोमीटर बचा होगा, और टाइम 10:30 के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। मेरे को लग रहा है हम लेट ना हो जाए यार, मंदिर वगैरह मेरे को वहाँ पर भी थोड़े एक दो देखने हैं, वो देख ले तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। देखते हैं भाई क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। एक्चुअली हम बीच में रुक बहुत भर रहे हैं ना, दिक्कत ही हो रही है, वरना और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सच। अब देखो भाई हाइपर राइड चेक करो, आवाज बस आओ, हाइपर राइड चेक करो भाई, और कुछ नहीं। इतना खुला हाईवे ना बहुत रेयर मिल जाता है फुल स्पीड खाने के लिए। आओ अब देखते हैं, 115 116 117, भाई क्या लगता है 117 से ऊपर जाएगी? लिमिटर वैसे अभी नहीं है, 118 भाई साहब, 118 चली गई भाई, 118 भी इसका लिमिटर आया भाई, 118 तक जाती है, 118 से ऊपर जानी मुश्किल है। 118 मैंने टच कर दी भाई, 118 इसकी टॉप स्पीड है पता लग गया। पर एक बार जब इसको ब्रांड न्यू में लेके आया था ना, मतलब जब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू थी, एक दो दिन चली हुई थी, तब मैंने इसको एक बार 120 पे टच करा था, 120 इसकी लास्ट स्पीड चली गई थी। और मैंने भाई को चेक करो भाई, अब इतना झुक के चला रहा है तब भी इतना आगे निकल पा रहा है, जितना मतलब मैं बराबर भी चल रहा हूँ। तो देखो दोनों 125 cc है ना, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। एक नंबर रोड है भाई, जो मर्जी कहो, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भगाने। वो देखो आज अभिषेक भाई के मूड में आ गया, चलो अभिषेक भाई के साथ तो भाई भगाने मजा ही आएगा। अभिषेक भाई ना बहुत रेयर भगाते हैं, आज वो भगाने के मूड में है, और आज हमारा जोगों के साथ उनकी रेस लग रही है, तो देखते हैं। भाई मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ भाई, तो आप स्पीड चेक करना बस। एक सौ पंद्रह पे हम चल रहे हैं, पर उनके पास में ही हूँ मैं, ज़्यादा पीछे नहीं हूँ उनसे। पकड़ लिया, बस क्रॉस करना है, क्रॉस भी कर दिया। तो जी अभिषेक भाई को, विनय भाई को, दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया, और अभी विनय भाई आगे आने के फिराक में, उनको आने नहीं दूंगा मैं। चलो भाई हाँ यार, मेरी वाली 115 से ऊपर नहीं जा रही, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है भाई, विंड ब्लास्ट बहुत तेज आ रहा है। भाई ये बंदा नीचे झुक के चला है, मथुरा 11 किलोमीटर आ गया भाई, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा जल्दी कवर कर लेंगे भाई। जो मर्जी बोलो, एक नंबर की रोड है भाई, मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा भाई इस बाइक को, मतलब जितनी इसकी प्रॉपर पोटेंशियल है उस तक पूरा हमने पुश करा है, तो 118 की टॉप स्पीड निकल के आई है, बढ़िया भाई, जो मर्जी कहो, एक नंबर, मज़ा ही आ गया। तो भाई देखो फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन ऊपर, देखो मेरो वृंदावन फाइनली भाई हो चुकी है हमारी एंट्री वृंदावन में, चेक करो ये रहा मेरो वृंदावन का बोर्ड,
और ये रही हमारी बाइक्स, हम सारे बढ़िया। तो भाई चेक करो, आ चुके हैं वृंदावन के अंदर और अभी हमारे लेफ्ट साइड में पड़ने वाला है भाई प्रेम मंदिर। तो पहले तो भाई क्या हम पार्किंग में लगाएंगे, पार्किंग में लगाने के बाद हम पैदल निकल के आएंगे मंदिर देखने। अभी के लिए बाहर से हम देखेंगे, अगर बाहर से हमको दिख पाते हैं, हाँ वैसे तो दिख जाएगा। देखो ये, देखो ये लेफ्ट साइड वाला, ये है प्रेम मंदिर भाई, चेक करो। देखो ये है प्रेम मंदिर, अभी अंदर से जाकर देखेंगे भाई बढ़िया से, ठीक है ना। बस पहले पार्किंग ढूंढ लेते हैं अपनी बाइक के लिए, तो चलो देखते हैं कहीं पार्किंग मिलती है तो। अभी तो बड़ा ट्रैफिक लग रहा है इधर भाई, चेक करो प्रेम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। वो देखो वो रहा सामने। और अनुज भाई बताओ कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? भाई मजा आ गया, बस अब स्विमिंग पूल के अंदर चलो। हाँ अभी पूल में जाएंगे, हमने डिसाइड करा। और चेक करो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ बन रखा है, और आगे चलते हैं। गियर को ही फोकस करियो हमेशा। और भैया आपको राइड कैसी लगी करके? यार देख मजा तो पूरा आया लेकिन फटी भी बहुत थी। उसाला से चेक कर रहा है लेंड पकड़ लेगा। देखो भाई प्रेम मंदिर के देखते, अगर अंदर जाने देते तो ठीक है, वरना कोई नहीं आसपास में चक्कर लगा के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 11:30 हो गए हैं, 12 बजे तक वैसे ही मंदिर बंद हो जाते हैं। मैं सोचा था बहुत लंबी लाइन होगी मगर लाइन नहीं थी। अरे एक्चुअली लेट हो गए माने में, लेट हो गए, सुबह सुबह आते ना, सुबह इतनी लंबी लाइनें मिलती हैं। देखो ऊपर आ चुके हैं, सामने है प्रेम मंदिर। भाई अंदर भी चलना, बाहर ही शूट करते रहोगे? चलो अंदर चलते हैं अब। अरे रुको पहले सबको आने दो, आ रहे हैं ना सब, सब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक करेंगे, सब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लगा के देखते हैं बाहर लोग आ। हम लोग हमारे नो कहाँ हैं? हम दो नहीं है, हम नो हैं। हम नो हमारे नो भाई, भीड़ बहुत हो रही है भाई। भाई अभी ऊपर आए हैं और यहाँ पे ये देखो कितना बढ़िया लग रहा था ना, अब नीचे का दिखाता हूँ भाई इतना। अभी हम बैठे हुए हैं प्रेम मंदिर के अंदर, मेरे साथ है ये भाई नीरज जोगो और अभी ऊपर बैठे हुए हैं मेरे साथ शक्तिमान भाई, बाकी बंदे आएंगे फिर दिखाएंगे उनको भी हम। भाई प्रेम मंदिर हमने देख लिया, भाई कैसा लगा प्रेम मंदिर? मजा आ गया भाई, मंदिर के साथ साथ सारा कुछ मजा आ गया। ये देख लो भाई क्या दिखा रहा है, कंटेंट दिखाओ, कंटेंट दिखाओ। जोगो भाई क्या दिखा रहे हो दोबारा बताओ? मूर्तियां, मूर्तियां झूला हिल रहा है, मूर्तियां वो झूला भी हिल रहा है, किसी मशीन लगी है भाई मुझे देख लिया भाई। अरे एक फोटो तो प्रेम मंदिर देख लिया, अब देखते हैं भाई कहाँ जाना है। तो भाई लोग अभी हम आ रखे हैं एक पूल पे और अभी देखाएंगे कौन कौन जाता है। भाई आप जा रहे हो पूल के अंदर? भाई तुम चल रहे हो पूल में? कौन कौन चल रहा है भाई, हाथ खड़े करो। रेडी मत करना, मैं सुनना इसकी बात। ये देख कौन सी उंगली कर रहा है भाई, पूल में चल रहा है भाई? हाँ भाई चल रहा है, बिल्कुल जाऊंगा भाई मैं। लग गई हमसे बच के भग रहा था भाई, ये भाई नीचे था अंदर से। ओ भाई ज्यादा लग गई यार भाई, मेरे को जंगली कुत्ते पड़ गए थे भाई, और कहीं तो नहीं लगी। अबे गाइस जंगली कुत्ते जीते हम लोग, हम इसको निला रहे थे, ये देखो निलाने का नतीजा। और यही काई में भाई, अभी रुक जाओ अभी।